नमस्कार दोस्तों, जो पिछले 25 से 30 दिनों से जो शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्र, उनके द्वारा आज खून से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को पत्र लिखा गया। देखिएगा, यहाँ पर ये खून से लिखा गया है, भजन लाल जी हमारे पेट पर लात मत मारो, युवा मित्रों को बहाल करो। संजय मीणा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मित्र संघर्ष समिति। चलेगा, आपको वीडियो बता देते हैं कि किस प्रकार इन्होंने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमारे रोजगार को बहाल किया जाए। सुनिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर जो भी संघर्ष समिति है और जो भी युवा मित्र है, उनके शरीर से खून निकाला जा रहा है और फिर इसी खून से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को पत्र लिखा गया। देखिए किस प्रकार सभी युवा मित्र खून से पत्थर खून से पत्थर लिखे गए। ये देखो, तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि किस प्रकार युवा मित्र अपने खून से लिखने को मजबूर हो गए कि हमारा रोज़गार बहाल किया जाए। जहां सरकार को वैकेंसी देनी चाहिए, रोज़गार देने चाहिए, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सभी युवा शिक्षक भर्ती की भी मांग कर रहे हैं और भर्तियां निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि यहां भजन लाल सरकार बनते ही 2.5 लाख नौकरियां देने की जगह रोज़गार छीनने का काम कर रही है। सरकार को युवाओं की व्यथा सुननी चाहिए और जल्द से जल्द इनका रोज़गार बहाल करना चाहिए और साथ ही जो वैकेंसी की मांग हो रही है तो वैकेंसी भी जल्द निकालनी चाहिए।